नमस्कार साथियों, टीटीसी एंड एलआरडीसी की तरफ से बनाए जा रहे ई वीडियो लेक्चर की श्रेणी में आज अपन एक एग्जांपल की सहायता से समझेंगे कि एक एमीटर और वोल्टमीटर की रेंज हम कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। पिछली क्लास में भी अपने एक एग्जांपल की सहायता से अपने एमीटर और वोल्टमीटर की रेंज एक्सटेंड की थी। ये सेकंड एग्जांपल है, इसकी सहायता से अपन समझते हैं कि वोल्टमीटर और एमीटर की रेंज कैसे अपन एक्सटेंड कर सकते हैं। आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिया है जो है पीएमएमसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट। क्या है? पीएमएमसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम दिया हुआ है। इसका मतलब है आरएम की वैल्यू कितनी है, 5 एम, और इसमें फुल स्केल करंट की वैल्यू है 15 मिली एम्पियर। क्या है? 15 मिली एम्पियर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो इसको आपको दो केस हैं। फर्स्ट है जिसमें एक रेजिस्टेंस है जिसको पैरेलल में जोड़ा जा रहा है और वो उसकी रेंज को बढ़ा के कितना कर देता है, 1 एम्पियर। मतलब एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ने से उस एमीटर की रेंज कितनी हो जाएगी, 15 मिली एम्पियर से बढ़ के 1 एम्पियर तक। तो फर्स्ट केस अपन सॉल्व करते हैं जिसमें दिया हुआ है जो आरएम है, इंटरनल रेजिस्टेंस है मीटर का पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट का, उसका रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम, और आईएफएस फुल स्केल वो कितनी है, 15 मिली एम्पियर। अब आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, 1 एम्पियर वाले एमीटर के अंदर। तो अपन क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे अपन स्मॉल एम, जिसको बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। वो क्या होता है, कैपिटल आई अपॉन आई एफ एस कितना हो जाएगा, 1/15 × mA, इसलिए 10^-3 हो जाएगा। ये इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1000/15। अब अपन निकालेंगे जो पैरेलल में जो अपन शंट जोड़ेंगे उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी आर एस एच बराबर, आर एस एच बराबर आर एम अपॉन एम माइनस 1। सोल्व करोगे इसको तो ये हो जाएगा 5/3/15 - 1। इसको सोल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा 1000 - 15 = 15×5/985। इसको आप फाइनली सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आर एस एच बराबर 0.0761 ओम। मतलब आप इसके पैरेलल में 0.0761 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ दोगे तो इसकी रेंज बढ़कर 15 मिली एम्पियर से 1 एम्पियर तक हो जाएगी इस मीटर की। अपन अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं जिसमें दे रखा है एक सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है जो इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करता है और उसकी रेंज बढ़ के कितनी जाती है, कैपिटल वी बराबर 15 वोल्ट। सबसे पहले अपन निकालेंगे वी एम, मतलब मीटर के अक्रॉस वोल्टेज, वो कितना हो जाएगा, आई एम इंटू आर एम कितना है, आई एम कितना है 15 मिली एम्पियर और आर एम कितना है 5, कितना हो जाएगा 75 × 10³ वोल्ट। अब अपन निकालेंगे स्मॉल एम मल्टीप्लाइंग फैक्टर, वो क्या होता है, कैपिटल वी अपॉन वी एम कितना हो जाएगा, 15/75 × 10³-3। इसको सोल्व करोगे आप तो 1000/5 200 हो जाएगा। अब अपन निकालेंगे जो सीरीज रेजिस्टेंस जोड़ा जा रहा है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू जाएगी, उसको बोलते हैं सीरीज रेजिस्टेंस और इसको अपन आर एस ई से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू होती है एम माइनस 1 × आर एम। एम का मान कितना हो गया, 200 - 1। आर एम कितना दे रखा है आपको, मीटर का रेजिस्टेंस वो कितना है, 5 ओम।
199 × 5, इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा 995 ओम। तो आर एस ई की वैल्यू कितनी आ गई, 995 ओम। अतः आप इस इंस्ट्रूमेंट पीएमएम इंस्ट्रूमेंट के सीरीज में 995 ओम का एक रेजिस्टेंस जोड़ोगे तो ये वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और उसकी रेंज कितनी हो जाएगी, 15 वोल्ट। 15 वोल्टेज तक वो आपको मेजरमेंट करके बता सकता है। थैंक यू।